जाने समझे ज्ञान वास्तु शास्त्र का पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान आकाश का ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो कहता है क्या घर आपका। वास्तु के जो नियम हैं वो युगों से चलते आ रहे हैं और वो युगों से उनके नियम वही के वही हैं और उनके रिजल्ट भी वही के वही हैं। मैं एक और दावा कर दूं, इस किताब के अंदर जो भी लिखा गया है वो दुनिया के किसी भी मकान में जाकर के बैठिए और इस किताब को पढ़िए। जो इस किताब में लिखा है अगर वो व्यवस्था वहां है तो जो कुछ लिखा गया है वो वहां घटना बनी होगी। वास्तु के जो नियम हैं वो युगों से चलते आ रहे हैं और वो युगों से उनके नियम वही के वही हैं और उनके रिजल्ट भी वही के वही हैं। मैं एक और दावा कर दूं, इस किताब के अंदर जो भी लिखा गया है वो दुनिया के किसी भी मकान में जाकर के बैठिए और इस किताब को पढ़िए। जो इस किताब में लिखा है अगर वो व्यवस्था वहां है तो जो कुछ लिखा गया है वो वहां घटना बनी होगी। अच्छा, लेकिन शर्त इतनी है कि 7 साल होना चाहिए उस मकान में रहने के लिए लोगों को और दूसरी अवधि 15 साल की। ठीक है, तो वो अवधि फॉलो करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि जो इसमें लिखा गया है वो उस घर में रहने वालों के जीवन में घटना घट गई है। ठीक है ज्ञानी जी, मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि वास्तु दोष हमेशा आप कहते हैं 21 महीने 7 साल 15 साल बाद ही क्यों जागृत होता है, क्यों 1 साल बाद नहीं, क्यों 8 साल बाद नहीं, क्यों 10 साल बाद नहीं? हर ऊर्जा की एक प्रकृति होती है, ऊर्जाएं अपनी प्रकृति के हिसाब से ही काम करती हैं। रावण को मारना है तो मार दो ना, ऐसा क्या चक्कर है कि राम जी भगवान जन्म लेंगे, राजा बनेंगे, अयोध्या जाएंगे, अयोध्या के राजा बनेंगे, 14 साल का वनवास लेंगे, सीता मैया का अपहरण होगा, फिर रावण को मारा जाएगा। वो एक साइकिल होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, देवों की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ऐसे ही काम करेंगे। रावण को मारना है तो फट से गला दबा दिया, मार दिया, ऐसा वो नहीं करते हैं। वो पूरी एक योजना के तहत काम करते हैं। ठीक है, तो हर काम जो होता है वो योजना के तहत होता है, उसमें भी विघ्न आ सकते हैं और फिर विघ्न आएंगे तो उन विघ्नों का तोड़ होगा और योजना अपने आगे आगे बढ़ती जाएगी। ये देवों के नियम है, ऐसे ही हर ऊर्जा के नियम होते हैं कि हमें इस तरह से ही काम करना है। तो वास्तु जो है उसमें जो नेगेटिव ऊर्जा है वो 7 साल के बाद ही जागृत होती है या 15 साल के बाद जागृत होती है। ठीक है, तो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके काम करने का एक तरीका होता है, तो वो जो तरीका है उसमें ये अवधि आ जाती है, तो ये अवधि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है। तारकासुर को मारना है, महादेव जी सीरियल में बोलते तारकासुर को मारना है, खत्म करो भाई उसको, क्या चक्कर क्या है? नहीं नहीं, अभी तो जब कार्तिकेय जन्म लेगा तब वो तारकासुर को मारेगा। ठीक है, तो ये उनकी स्टाइल है काम करने की, वो ऐसे ही काम करते हैं। तो ये 21 और 7 और 15 साल के बाद। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डब्ल्यू सी बात यहाँ है, इसका मतलब आप यहाँ नहीं सो रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है जी, और यहाँ क्या आया? पानी तत्व। पानी तत्व आया तो ईशान में पानी तत्व है। हाँ हाँ। पानी तत्व कहाँ होना चाहिए? तो ईशान में। हाँ। है कहाँ? तो डायगोनली ऑपोजिट में है। बिल्कुल। ठीक है ना, तो जहाँ पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए वहां पानी पड़ा हुआ है आपने। और दानवों का घर कहाँ है? पाताल में। पाताल में, पाताल में क्या है? पानी। पानी है तो दानव कहाँ रहते हैं? पानी में। पानी में रहते हैं। आपने दानवों का कोना कौन सा है? ये है, ये बिल्कुल। ठीक है, आपने क्या दे दिया? पानी दे दिया उनको, तो उनको तो घर दे दिया ना आपने, तो वो यहाँ रहना शुरू, वो भी बढ़िया बना बनाया है, तो वो यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो यहाँ रहना शुरू कर देंगे तो आपको दुर्गति देंगे। क्यों? क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र है दुर्गति देना। तो ये एरिया जितना भी ड्राई होगा इतना अच्छा है, इसीलिए शास्त्र ने कथन किया है
कि मकान का ढाल होना चाहिए यहाँ से यहाँ, अच्छा यहाँ से यहाँ, हाँ? और यहाँ से यहाँ, ठीक है, ठीक हाँ? है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पानी बिल्कुल भी ठहरना नहीं चाहिए। अच्छा। पानी का ढलान मकान का कैसा हो, फर्श का, कि ऐसा जाए चाहे ऐसा जाए चाहे ऐसा जाए, हाँ। पश्चिम से पूरब, दक्षिण से उत्तर, नैऋत्य से ईशान। तो इससे क्या होगा, ये ड्राई रहेगा, पानी बहा, बरसात का भी पानी आया, कोई भी पानी आया, फट से चला जाएगा, फट से चला गया, फट से। तो ये एरिया ड्राई का ड्राई रहा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पानी अगर इतना सा भी इकट्ठा होने लग गया तो आप समझ लो आपकी बरकत खा गया, आप समझे। इसलिए यहाँ पर ड्राई एरिया होना चाहिए। तो निवारण हेतु ऐसा बताया है गुरुदेव ने। यानी जी एक बात और, अगर WC बात है तो गुरु पर क्या असर पड़ेगा उसका, बृहस्पति पे, गुरु पे? गुरु पे क्यों असर पड़ेगा, गुरु पे कोई असर नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, गुरु पे कभी कोई असर ही नहीं पड़ता है। गुरु भिन्न है, किसी भी असर से भिन्न है। अच्छा, आप समझे जी। गुरु तो गुरु है, उसको क्या असर पड़ेगा, महादेव जी विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को क्या असर होना है, कुछ नहीं होना है उनको, आप समझे। हाँ, लेकिन गुरु जो है वो ये कहते हैं कि देव दानव और मानव में चूंकि हमें भेद नहीं है, उनकी दृष्टि यहाँ होने से यहाँ जब आपका पानी तत्व आएगा तो यहाँ नेगेटिव ऊर्जा आएगी, और गुरु जब उनके ऊपर दृष्टि करेंगे, क्योंकि आप तो यहाँ सो नहीं रहे, तो दानव यहाँ रह रहे हैं, ऊर्जाएं यहाँ गलत ऊर्जाएं रहे, तो उनको निहाल कर देंगे, उनको कहेंगे भाई आप निहाल रहो, आपको हमारा आशीर्वाद है। अब इनका आशीर्वाद लेकर के इनका काम प्रगति कराना नहीं है, इनका काम तो दुर्गति देना है, क्योंकि ये दानव है, ये आसुर है। तो आसुरों का काम है मानवों की दुर्गति करना। ठीक। वो कब आपकी प्रगति करेंगे, जब आप हर हर महादेव बोलना बंद करोगे, जब आप जय श्री कृष्ण बोलना बंद करोगे, और जब आप आसुरी शक्तियों का जब आप उच्चार करना शुरू करोगे, तो वो कहेंगे हाँ भाई हमारा है ये, आप समझे। मतलब गलत काम करने वालों की प्रगति हो रही है और सही काम करने वालों की दुर्गति, ठीक है। तो आप तो ये नहीं कर सकते, आप बोलेंगे भले दुर्गति है पर मैं ये गंदा काम तो नहीं करूंगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लोग गलत राह पे चलते हैं उनकी प्रगति बहुत फास्ट होती है। क्यों फास्ट, कौन कराता है, वो ये लोग कराते हैं, आसुरी शक्तियां गलत राह पे चलने वालों की प्रगति बहुत दिन दोगुनी रात चौगुनी करवाते हैं, ताकि उसको देख करके उससे प्रेरित होकर के और भी लोग दानवों के क्षेत्र में जुड़ जाएं, ठीक है। लेकिन ये जो रास्ता है जी, मक्कारी का जो रास्ता है, झूठ का जो रास्ता है, वो आगे जाके रुक जाता है, और सच्चाई का जो रास्ता है वो आगे तक चलता है। इसीलिए फिर भी कई लोग, आजकल तो कलयुग है, ज्यादातर लोग इसी रास्ते पर चलते हैं। क्यों, क्योंकि वहां बहुत स्पीड है, वहां प्रगति का रास्ता ज्यादा ये खोलते हैं, नेगेटिव ऊर्जा। देव कभी ऐसी प्रगति नहीं देंगे, देव हौले हौले प्रगति देते हैं, लेकिन बिल्कुल स्थिर स्थिर प्रगति देंगे। आप निवारण के बारे में बता रहे थे जी। हथेली में चम्मच भर दूध लेना है, एक बिंदु जैसा सिंदूर लेना है, गाय का दूध लेना है, और मिक्स करके यहाँ फर्श पर छोड़ देना है, और WC में भी हथेली में दूध लेकर के बिंदु भर सिंदूर लेके फर्श पर छोड़ देना है, टब में नहीं, फर्श पर छोड़ देना है, ठीक है। बाद में एक अशोका ट्री की लकड़ी लेनी है, करीब इतनी जी, और यहाँ से यहाँ तक उस अशोका ट्री से ऐसे लकीर बना देनी है, यहाँ से यहाँ ऐसे लकीर बना देनी है, सिर्फ ये जैसे चौक है लकीर है, ऐसे सिर्फ टच करके ले लेनी है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक या अंदर अंदर कुछ हरे पत्ते बिछा देने, लेकिन जब हरे पत्ते बिछाए जाएंगे तो एक पत्ता जो है वो दूसरे पत्ते से जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो वो काम तो बैठ के करना होगा, इतने काम बैठ के करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। तो बैठ करके करना है और हरे पत्ते बिछा करके 10 मिनट के लिए रहने देना है, फिर वो हरे पत्ते उठा लो, ये किनारी किनारी में ही रखने, पूरे में नहीं, अच्छा किनारे पे, किनारी किनारी, ठीक है। फिर वो आप उठा लो और उठा करके पानी में बहा दो, तो जो लकड़ी ली है आपने वो भी पानी में बहा दो और हरे पत्ते भी बहा दो, और जो दूध और सिंदूर था वो अपने आप ड्रेन हो जाएगा, जब साफ सफाई होगी तो फिर अपने आप वो ड्रेन हो जाए। ये दादाजी का संकल्प करके श्री माता जी को आगे करके इस ये कर्म करना है, ये एक ही बार करना है, रोज नहीं करना है, एक ही बार करना है और करके छोड़ देने का है, तो इसका दोष जाता रहेगा, ठीक है। तो फिर आपको रास्ता दिखेगा। अब ऐसे में
अब इसके बिल्कुल पास आप यहाँ एक व्यक्ति सो सकता है या इसके बिल्कुल पास एक व्यक्ति यहाँ सो सकता है। चूंकि आप नैऋत्य में नहीं सो सकते तो कोई बात नहीं, दक्षिण में सो जाइए, कोई बात नहीं पश्चिम में सो जाइए, ठीक है, इतना ही हो सकता है इसके अंदर। ऐसा करने के बाद सब ठीक हो जाएगा, दुर्गति नहीं आएगी। अच्छा, प्रगति नहीं आएगी, प्रगति, तो दुर्गति से बच गए तो वही गनीमत है। बिल्कुल सही, अगर 50,000 का हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा है और 10 लाख रुपए की फी देनी पड़ गई सिर्फ 2 मार्क के लिए, अगर ऐसे खर्चे भी बच जाए तो वो प्रगति नहीं आ जाते। बिल्कुल सही, ठीक है ना। लड़की अगर दुखी नहीं हो रही है आपकी और बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं और नंबर अच्छे नहीं ला रहे हैं, उनके नंबर अच्छे आने लग जाएं, उनको संतोष हो जाए कि जितनी मेहनत हमने की, ठीक है, आपका बॉस आपसे खुश हो जाए, बहुत है, हमें कौन सा टाटा बिरला बनना है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी, हमने बात कर ली अभी किचन की, और अगर नैऋत्य में टॉयलेट बाथरूम हो तो क्या हो, बेडरूम की भी हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं नैऋत्य में सीडी और स्टोर होने से क्या होता है। पहले मैं बता देती हूँ कि आपने क्या लिखा हुआ है। ज्ञानी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है, अगर नैऋत्य कोने में सीडी और स्टोर होने से आप जेब में बहुत से प्रोजेक्ट लेके घूमते रहेंगे लेकिन एक भी प्रोजेक्ट आप लॉन्च नहीं कर पाएंगे। आर्थिक अस्थिरता तो बनी ही रहेगी, जो कि ज्ञानी जी ने कहा था कि अगर WC बात होगा तो उसमें भी आर्थिक स्थिरता रहेगी तो इसमें भी रहेगी। तो ज्ञानी जी, अब आप इसके बारे में कुछ जानकारी दें हमें। देखो, सीधी बात है कि आपके साउथ वेस्ट में जीना आ गया जी, फिर एक बात आ गई कि आप साउथ वेस्ट में नहीं सो रहे, ठीक है। दूसरा ये है कि वास्तु पुरुष के सिर यहाँ है, पैर वहाँ, ये कोहनी, ये घुटना और ये पांव। अब ये कोहनी, हाँ, ये घुटना, ये पांव, ठीक है। अब पांव के ऊपर क्या आ गया, एक ऐसा वजन जो स्थिर वजन है, बिल्कुल, और ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर स्टेयर केबिन, जो केबिन बनती है सीढ़ियों के ऊपर, और हो सकता है कि इसी स्टेयर केस के नीचे जो जगह मिल गई है वहां एक भंडार आपने बना दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पांव के ऊपर एक ऐसा वजन है जो सालों साल पड़ा हुआ है। अब जैसे ही 7 साल होते हैं तो वास्तु पुरुष जो है इनके पांव के अंदर नमनेस आने शुरू हो जाती है। नमनेस मतलब समझती हैं आप, उनके पांव नंब पड़ जाते हैं, मतलब सुन्न मार जाते हैं। अच्छा, सुन्न पड़, सुन्न पड़ जाते हैं, ठीक है। अब वो सुन्न पड़ गए हैं तो वास्तु पुरुष के पांव में कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, ठीक है, तो सुन्न पड़ गए तो आप भागते हो, पुरुषार्थ करते हो, दौड़ते हो, किस पर करते हो, पांव के बल, अब वही पांव आपने बांध दिए, अब आप भागना चाहते हो नहीं भाग पा रहे हो, आप दौड़ना चाहते हो नहीं दौड़ पा रहे हो, और आपके घर में किसी एक व्यक्ति को लगातार चाहे कितने ऑपरेशन हो, चाहे कितनी दवाइयां ले ली हो, उसके पांव में दर्द रहेगा रहेगा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वास्तु पुरुष ये जताना चाह रहे हैं कि भैया मेरा कुछ करो, मेरे पांव के ऊपर आपने 7 साल से वजन डाल रखा है, मेरे पांव में बड़ी पीड़ा हो रही है मुझे, तो वो पीड़ा कहां रिफ्लेक्ट करेगी, घर के किसी एक व्यक्ति में पड़ेगी, आप समझे जी। तो ऐसे में आपको चाहिए कि सबसे पहले तो ये जो स्टोर बनाया है आपने, ये स्टोर आप खाली कर दीजिए, आपको स्टोर खाली कर देना है इमीडिएट इफेक्ट में, ताकि वहां से थोड़ा बहुत भी ब्लड सर्कुलेशन वास्तु पुरुष के पांव में शुरू हो, थोड़ा सा वजन भी कम हो। और जिस कछुए की हम बात करते हैं, ये कछुआ आपको सीढ़ी के इधर डालना है, ताकि ये कछुआ जो है, ये जो कछुआ होता है, कछुए का ये जो शेल होता है, ये शेल वास्तु पुरुष के पांव के ऊपर जो जीना है जिसका वजन है, ये कछुए का शेल वो जीने के वजन को उठा लेगा, और जैसे ही वो जीने के वजन को उठा लेगा, वास्तु पुरुष के पांव जो है वहां ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वो ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगी, वास्तु पुरुष रिलैक्स हो जाएंगे और फिर आपके भागने दौड़ने का योग बनता है। लेकिन आपने सिर्फ वास्तु पुरुष के को रिलैक्स किया है, भागने दौड़ने का योग बना है आपका, लेकिन आप वहां सो नहीं रहे हैं, इसलिए मेरे लिए तो ये अपाहिजता ही होगी मेरे क्लाइंट के लिए कि मैंने उसे नैऋत्य में नहीं सुलाया है। मेरे लिए ये चिंता का विषय तो रहेगा ही कि सारा कुछ करवाया लेकिन मैं ये जीना तुड़वा नहीं पाया, मैं ये जीना तो नहीं तुड़वा पाया, और जब मैं ये जीना नहीं तुड़वा पाया
तो इसका मतलब यह है कि मेरा यजमान अग्नि में या वायु में ही सो रहा है, ठीक है। तो नैऋत्य में सोने से जो स्थिरता मिलती है वो स्थिरता तो फिर भी उसे नहीं मिलेगी। इसीलिए नैऋत्य कोण के अंदर जो जीना है वो गलत व्यवस्था है। निवारण आप करके रिलैक्स हो सकते हैं, दुर्गति से बच सकते हैं, लेकिन जो प्रगति आपको मिलने पात्र थी जन्मपत्री के अनुसार, वो प्रगति आपको फिर भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप नैऋत्य में तो फिर भी नहीं सो रहे, क्योंकि वहां जीना है। इसीलिए यहां जीना नहीं होना चाहिए। और मैं माफी चाहता हूं आपको, ये बताने में मुझे बहुत खेद हो रहा है कि 99% किताबें यहां पर जीना हो ऐसा लिखती हैं। 99% जो किताबें हैं उसके अंदर ऐसा लिखा है कि नैऋत्य में जीना होना चाहिए, नैऋत्य में स्टोर होना चाहिए। तो जो स्टोर और जीने का प्रबंध यहां दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि वजन के वजन को ध्यान में रख के दिया गया है। तो जितने भी वास्तुशास्त्रियों ने वजन को की व्याख्या को समझा है वो गलत समझा है। तो मैं आपको बताऊं, वजन का मतलब ये है घर की मुख्य व्यक्ति। वजन का मतलब 50 बोरे रेती के नहीं है। वजन का मतलब मिट्टी का ढेर लगा दो नहीं है। वजन का मतलब है घर की मुख्य व्यक्ति। घर की मुख्य व्यक्ति का वजन सबसे ज्यादा होता है। अगर वो यहाँ सो गया तो वो 100 टन के बराबर भी है, 1000 टन के बराबर भी उसका वजन है, और 1,00,000 टन के बराबर भी वजन है। वास्तुशास्त्री जिन्होंने किताबें लिखी हैं उन्होंने सिर्फ ये देखा है कि यहाँ राहु महाराज है, राहु महाराज को दबाना है। उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पृथ्वी तत्व भी है। उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ वास्तु पुरुष के पांव भी हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ गुरु की दृष्टि भी है। तो धोखा खा गए वास्तुशास्त्री और उन्होंने यहाँ पर जीने बनवा दिए। और मैं आपको बताऊं, दुख की बात है कि बहुत सारे लोगों ने किताब से पढ़ पढ़ के यहाँ सीढ़ियां बनवाई हैं। बहुत सारे वास्तुशास्त्री जो उन किताबों को फॉलो करते हैं उन लोगों ने भी अपने यजमानों से यहाँ सीढ़ियां बनवाई हैं और गलत मकान बनवाया है। आज हमारे पास लोग आते हैं वही लोग जिन्होंने यहाँ सीढ़ियां बनवाई हैं। ज्ञानी जी हम तो धोखा खा गए। क्या हुआ भाई? हमने इतने सारे वास्तु का ध्यान रखने के बाद, इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद वास्तु के आधारित हमने मकान बनाया लेकिन हमें कोई मजा नहीं आया। आज जब आपका प्रोग्राम देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ सीढ़ी नहीं, यहाँ स्टोर नहीं, यहाँ बेडरूम होना चाहिए था। तो हम तो धोखा खा गए, हम तो सीढ़ी बना के बैठ गए यहाँ पर। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निशुल्क है। हमारा पता है वास्तु एसोसिएट्स, 65 संपत राव कॉलोनी, RC दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09879108652535354, 6061-6263 और 09920480011। हमारा फोन नंबर है 02652354112। हमारा टेलीफैक्स नंबर है 02652354113। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mahesh@yahoo.com।